मतलब पॉइंट है कि इसको खुद को सुनाई नहीं देता क्या? मतलब इतने कान खा रहे हमारे चैन 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 करके, इसको फर्क नहीं पड़ता क्या? बस कर दे भाई, बस कर दे, बस कर दे, थक गए भाई, थक गए। बोलती चौके गुड बॉय अंकल है, पेंटिंग वाले अंकल हैं। ओके क्वाइट, गए वो बाहर, वो आ गई ना, उनका कार आई है बाहर, खड़ी है गैराज में, अंदर गैराज के बाहर। तो गाड़ी भोगने लगी उनको, अभी उतरेगा बाहर। अभी वो आ गए पेंटिंग वाले अंकल हैं, बोलती ओके भोगना नहीं है, पेंट लेके आए। ओके हाँ कोई बात नहीं बोलती चुकी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोलती, पूछ ला ले तू अंकल को बस। बोलती बस बस बस, अले अले टैली भी आ गया नीचे से, बस बस बहुत प्रोटेक्शन हो गई बोलती, थैंक यू बोलती, थैंक यू टैली बॉय को बॉय। मैंने कहा खेलने के लिए भाग रहे हैं, बस बस गुड बॉय गुड बॉय। इसके अचानक से मौसम पलट पलट गया यहाँ ना, टेक्सास में कुछ ही नहीं पता होता। मैं तो लग रहा है वेदर की ऐप देखना भी बकवास है यहाँ पे, क्योंकि आप सुबह देखोगे इतनी गर्मी होगी, इतनी धूप होगी, और देखो अब मेरे पीछे उल्टा उल्टा दिखा दूंगा, वो देखो जरा पीछे क्या काले काले बादल हो रहे हैं, देखो क्या काले काले बादल हो रहे हैं। और 5 मिनट पहले ना कुछ भी नहीं था, और मैंने वेदर की ऐप खोली है तो वेदर ऐप कह रही है कि स्टॉर्म वार्निंग आ गई है। चलो कुछ भी हो जाता है यहाँ तो। टैटी इनको देखे आए बाहर, और बड़ी देखो क्या मस्त खुला बैठा ना बड़ी, क्योंकि बड़ी इज अ गुड बॉय और टैडी इज नॉट अ गुड बॉय। टैडी वो पकड़ रहा है, उड़ रहा है जो हवा में, आ गया वो निकाल, टैडी ड्रॉप इट गुड बॉय, और टैडी इज नॉट अ गुड बॉय, बड़ी इज अ गुड बॉय। बड़ी तो खुला छूट जाता है, बड़ी तो कहीं नहीं जाता। अरे डॉगी ए क्या कर रहा है, तो क्या हवा चल रही है, अभी स्टॉप मॉर्निंग आ गई अचानक से, सुबह कुछ भी नहीं था। देखो भाई स्पीड सुनने में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वेदर की आप देखें तो बकवास है। आई डोंट नो आप मुझे सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, हवा बहुत चल रही है। डॉगी दादी दादी भाई अब तो हवा चल रही है तो क्या इतनी चीज़ें उड़ेंगी, तू सब पकड़ लेगा, सब पकड़ लेगा, तू सब पकड़ लेगा है, कह रहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरा सिंपल सा मोटो है लाइफ में। अचानक से टेम्परेचर भी गिर गया, जो गर्मी हो रखी थी ना, अब आज तो ठंडा खोएगी है, अगले 2 दिन भी उतनी गर्मी नहीं होगी, तो गर्मी भी कम हो जाती है। ये दैट्स अ गुड थिंग अबाउट टेक्सास जो मैंने देखा है यहाँ पे ना पिछले 2 साल में, अगर एक दिन बारिश आ जाए जो कि हर हफ्ते ऑलमोस्ट आ ही जाती है, तो अगले 2 दिन कम गर्मी के निकलते हैं। तो टेक्सास की गर्मी बहुत बदनाम है, सुना ही आपने, और भी स्टेट्स में बहुत गर्मी रहती है इस टाइम पे समर्स में, बट अगर बारिश आ जाए तो दो तीन दिन अच्छे निकल जाते हैं, तो ये अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। ओह नो हीरो सिटी, अच्छा पत्ते पे एक हीरो सिटी, पत्ता उड़ रहा है वो देखो, वो देखो पत्ता उड़ रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही गाइस, अटक गया देखो, मैं आगे कर देता हूँ, लाइव मज़ा आएगा, देखो आपके सामने मज़ा आएगा। टैडी पत्ता पकड़ ले दादी, टैडी पकड़, दादी को को दादी को, बड़ी देख रहा है बड़ी, टैडी पत्ता पकड़ लो। आया भाग, पक्का भाग के आएगा डैडी लग रहा है। कुछ भी खेलते हैं डॉगीज ना। मारो भाई मारो मुझे, खुद भी लग रही है। कहाँ से
एटलीस्ट खुद तो खेल रहा है। शिवा तुम पूछ रहे थे ना इस डब्बे में क्या, तो तुम्हें नहीं लगता कि कॉमर थोड़ा सा लाइक बहुत इजीली पता लग रहा है इस डब्बे में क्या? प्रोटीन पाउडर्स गाइस, प्रोटीन पाउडर्स है इस डब्बे में। जब मैं पैक कर रहा था ना तो शिल्पा पूछ रही थी कि लिखना नहीं इसके ऊपर इसके अंदर क्या है। मैं कहा इसके अंदर शिल्पा सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही है और बहुत सारे हैं। लेट मी शो यू। तो ये है एक वे प्रोटीन, ये है कैसिन प्रोटीन, ये वाला ये भी है कैसिन प्रोटीन, ये है वे प्रोटीन, और ये है दो डब्बे बी सी ए का, ये क्रिएटिन आई थिंक। मीन वाल यहाँ पे शिल्पा कर रही है अवन क्लीन। शिल्पा तो बड़ा गंदा है अंदर से, कैसे पानी निकल रहा है गंदा गंदा, ग्रीसी ग्रीसी सा होगा ना। ओ वाह, क्या यूज किया शिल्पा तुमने? डिग्री सर दिखाना जरा, आई एम वेरी क्यूरियस। ओके ये यूज़ किया है शिल्पा ने, बड़ा मस्त है यार चीज़ से, क्या बढ़िया साफ हो रहे। तो निकल रहा ना? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बढ़िया। ओ वाह क्या चमक गया वन, ओ वाह रियली बहुत चमक गया शिल्पा, पहले से काफी बेटर। मैं तो देखा नहीं कब कब चमका दिया तुमने, बट बहुत चमक रहा है। तो नाइस ग्लास भी क्या चमक गया। बट एक चीज़ है गाइस आपको दिखाता हूँ, ये जो आप स्ट्रीक देख रहे हो ये बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, ये इन दोनों के बीच में है। सो देर आर टू ग्लासेज एक्चुअली, ये जो ओवन होता है ना एक ग्लास ये है एक ग्लास बाहर है। तो दिस इज़ हाउ यू नो टेम्परेचर में वो रहता है कि अंदर का अंदर रहता है, तो बीच में भी एक स्ट्रीक आई हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी क्लीन कर दी जाए क्योंकि ऐसे तो ना छोड़ेंगे हम लोग। और डिश वॉशर में भी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर गाइस, अगर आपको पता ही नहीं पता नीचे का ना फिल्टर होता है तो उसको भी साफ़ करना चाहिए, और हम तो नए नए आए हैं इस घर में तो हम तो साफ़ करेंगे करेंगे। यूजली आई वुड से लाइक एवरी सिक्स मंथ साफ़ कर लो अगर आप बहुत यूज़ कर रहे हो। हाँ वही, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो जल्दी जल्दी साफ़ कर लो। नहीं कई बार पता क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भी दो तरह के होते हैं, कई बार हम फूड इसी में डालते हैं और उसमें धो के डालते हैं हल्का हल्का, फूड निकाल देते हैं, और अगर हम फूड सारा उसी में डालें तो वो ब्लॉक होगा। हाँ राइट, तो फिल्टर साफ एवरी मंथ से साफ करना। तो लेट मी शो यू गाइस कैसे साफ करते हैं फिल्टर। ये मैंने पहले सीखा था लाइक क्योंकि ख़राब हो गया था डिश वॉशर, इसको हटाओ पहले तो। ऑल राइट, इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो ये होता है फिल्टर गोल गोल वाला। ओके मैंने लाइट जला दी, अब आप देख पाएंगे। तो इस ये ट्विस्ट करके खुलता होगा आई एम श्योर, ऐसे है राइट। ये देखो तो ये नीचे जो है वो ड्रेन है, वहाँ से पानी गंदा पानी निकल जाता है। ये देखो क्या गंदा हो रहा है इस चीज़। तो हम तो नहीं आए ना इस घर में, हम तो साफ़ करेंगे। पर आप यू नो दिस इज़ हाउ यू क्लीन फिल्टर ऑफ डिश वॉशर, क्योंकि अगर ये ब्लॉक हो गया ना गाइस तो पानी बैकआउट करना शुरू कर जाएगा। तो वन टिप फॉर यू, आप भी अपना साफ़ कर लेंगे। देखो क्या गंदगी पड़ी हुई ऊपर, देखो। और अभी शिल्पा लगे आ तो डिश वॉशर भी क्लीन कर देगी। गुड, कैसे करूँगी? अच्छा और एक साइकिल रन कर दूँगी। अच्छा तो क्लीन हो जाता है, सही है। विनेगर और एक साइकिल लगा दो उसको अंदर, ये अंदर रख दो। That's cleaning tips for you guys. Finally, painting खत्म हो गई आज, सारी शीटें उतर रही हैं, उन्होंने तो अंदर बैकअप कर दिया, शिल्पा उनकी हेल्प कर रही है। फाइनली सारी पेंटिंग डन होगी गाइज। आप मिस करेंगे वो एवरीडे आते थे ना, दो हफ्ते से वो एवरीडे आ रहे हैं राइट, पूरे दो हफ्ते लग गए उनको पेंट करने में, पूरा घर प्लस कैबिनेट्स एंड ऑल। तो आई थिंक अब तो आदत ही पड़ गई है, बड़ी टैटू तो स्पेशली बहुत जरूर मिस करेंगे उनको। बट एनीवे गाइज ये उतार रहे हैं हम लोग, उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो अंदर पैकअप कर रहे हैं, पेंट फाइनली डन हो गया है और मैं चला अंदर। अब वो रिमेंबर अब उनका डोर क्लीन करना है। मिलता है गाइज आपसे अगली वीडियो में, बाय।